हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए एक और स्नैक्स बनाते हैं, वो भी ग्लूटेन फ्री। यस, आपने सही सुना, ग्लूटेन फ्री स्नैक्स। तो यहाँ सबसे पहले मैंने दो पोटैटोज लिए हैं, ये कच्चे हैं, इनको मैंने थोड़े बड़े साइज़ में काट लिया है। आप चाहें तो छोटे में भी काट सकते हैं। इसको हमें आगे जाके वैसे भी बॉयल करना है। तो आपने कई रेसिपी स्नैक्स देखे हैं जो बेसन से और सूजी से बनते हैं, बट इसको मैंने ग्लूटेन फ्री बनाया है। तो चलिए देखते हैं हम किससे बनाएंगे इसको। तो मैंने जो हमारे आलू थे और जो हमारी पीस थी, इनको मैंने एक प्रेशर कुकर में डाल दिया है। और मैंने अपने जो पीस ली हैं, मैंने यहाँ पे दो कप ली हैं, वो फ्रोज़न पीस हैं मेरी। आप चाहें तो इसमें फ्रेश भी ले सकते हैं। दोनों को मिला के आप एक प्रेशर कुकर में डाल के इसको हम 3 to 4 विसल लेंगे, जिससे कि हमारे पीस हैं, जो पोटैटोज हैं, दोनों अच्छी तरह गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब ठंडा हो जाए तो हम प्रेशर कुकर खोलेंगे और चेक कर लेंगे जो हमारे पोटैटो और पीस हैं अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं। फिर जो एक्स्ट्रा वाटर है पूरी तरह इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब जो एक्स्ट्रा वाटर था वो पूरी तरह निकल चुका है। चलिए इसका तड़का बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऑयल लिया है, जीरा डाला है, इसमें मैंने चॉप्ड ग्रीन चिली और जिंजर डाला है। आप चाहें तो इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं। तो सौते करके मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। फिर जो हमारा पोटैटो और पीस का जो मिश्रण रखा था, इसको हम अच्छी तरह कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे, जिससे जो एक्स्ट्रा वाटर इसका है वो पूरी तरह निकल जाएगा और हमारे जो पोटैटो एंड पीस है, जो सब्जी बना रहे हैं इसकी हम, जो वो अच्छी स्पाइसी और अच्छी सी बन जाएगी। मैंने इसमें सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। यहाँ पे इसको आपको अच्छी तरह मैश करना है, पोटैटो एंड पीस को, जिससे हमारे जो सॉल्ट है, मसाले हैं, सभी आपस में अच्छी तरह मिल जाएंगे। इसको आप एक मिनट तक कुक कीजिए। फिर मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस थे वो डाले हैं, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड गरम मसाला। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा चाट मसाला डाल सकते हैं, चाहें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी मिला सकते हैं इसमें आप। इन सभी को अच्छी तरह मिलाएंगे आप और मैशर की हेल्प से इसको हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे, जिससे कि हमारे पोटैटो और जो पीस हैं उसका अच्छा सा एक डो बन जाएगा हमारा। इन सभी को अच्छी तरह क्रश कर लीजिए। आप देख सकते हो धीरे धीरे क्रश करेंगे और आप कोशिश कीजिए इसको गर्म जो हमारा मिश्रण हो ना, तभी आप बनाइए इसको, जिससे ये अच्छी तरह आपस में मैश होके एक अच्छा सा डो फॉर्म कर लेंगे। तो अभी तक कोई गैस कर पाया कि हम किस चीज़ से बनाने वाले हैं ये रेसिपी जो ग्लूटेन फ्री होगी हमारी? तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए कि आपको क्या लगा, किससे बनने वाली है ये हमारी स्नैक्स की रेसिपी। तो देखिए हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको हम गैस से उतार के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हम बनाएंगे अपना बेस। तो इसके लिए मैंने चावल का आटा लिया है जो ग्लूटेन फ्री होता है। यहाँ पे मैंने दो बोल लिए हैं, इसमें एक कप, एक एक कप दोनों में मैंने चावल का आटा डाला है, सॉल्ट डाला है और मैंने यहाँ पे जो कोकोनट मिल्क होता है वो यूज़ करा है, जो हमारा छोटा टेट्रा पैक होता है। तो एक ही को मैंने यूज़ करा है, आधा मैंने एक बोल में डाला है, आधा मैंने दूसरी बोल में डाला है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको, बैटर को अच्छी तरह मिक्स करिए, जिससे कि उसमें कोई लम्स नहीं आ रहे। जैसे मैं आपको हर स्टेप दिखा रही हूँ, जिससे ये मालूम चले आपको कि जो हम बैटर बना रहे हैं वो कितना गाढ़ा और कितना पतला होना चाहिए। तो मैंने पानी बहुत धीरे धीरे डाला है, जिससे कि हम देख सकें कि इसमें कोई लम्स भी नहीं है और हमारा जो बैटर बना रहे हैं वो कहीं पतला तो नहीं हो गया है। तो उसको अच्छी तरह मिलाइए आप। मुझे भी लग रहा है थोड़ा गाढ़ा है वो, तो मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डाला है। मैं आपको दिखाऊँगी इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहनी चाहिए। तो मैं इसको अच्छी तरह मिला रही हूँ, जिससे कि ये देखिए बिल्कुल अच्छी सी है, ये फ्लोई है, ये बहुत गाढ़ी भी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं है ये। तो एक बोल बना लिया हमने, सेम प्रोसेस हम करेंगे दूसरी बोल के साथ में। जो मेरा आधा बचा हुआ कोकोनट मिल्क था वो मैंने इसमें डाला है, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करना स्टार्ट करा है। तो ये सेम प्रोसेस को आप दोनों जो हमारी बोल है उसके साथ कीजिए आप। तो अभी तक आपको मेरी रेसिपी कैसे लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको लग रहा है कुछ नया फ्लेवर खाने को मिलेगा, तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट में। अब मैंने यहाँ पे 1 tablespoon डेसिकेटेड कोकोनट है वो दोनों बोल में डाला है, 1 tablespoon। इससे हमारा जो बैटर का जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही टेस्टी आएगा। कोकोनट मिल्क भी है इसके अंदर, थोड़ा सा हम डालेंगे कोकोनट, तो उसका जो बहुत ही जो टेस्ट है बहुत ही एनहेंस करेगा इसके साथ में। तो मैंने दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो मैंने ये दो बैटर को अलग अलग फ्लेवर में दिया है, तो देखते हैं कौन कौन सा फ्लेवर। तो पहले वाला जो हमारे बोल थी, मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाली है, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। जब हमारी शुगर अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएगी इस बैटर के साथ में, तो मैंने इसमें अराउंड 2 tablespoon और 1.5 tablespoon कह सकते हैं आप, थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन का जूस डाला है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको थोड़ा सा खट्टा चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप 2 tablespoon इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप 1.5 tablespoon डाल सकते हैं। और जो सेकेंड वाला हमारा बोल था, इसको मैंने थोड़ा सा चिली तड़का दिया है, तो इसमें मैंने 1 teaspoon मैंने यहाँ पे तेल लिया है और मैंने 1 teaspoon ही मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर मिलाया है इसमें,
जिससे हमारा जो इसका चिली का थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट होगा इसमें। तो एक स्पाइसी है, एक हमारा सॉल्टी और स्वीट है लिटिल बिट, तो उसका जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो दोनों हमारे बैटर रेडी हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे 5 to 7 बोल्स ले ली हैं जो थोड़ी डीप हैं, उनका आप देख सकते हैं गहराई अच्छी सी है इसके अंदर। मैंने सभी को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अराउंड मेरी यहाँ 6 or 7 करीब मेरी बोल यूज़ हुई है। अब मैंने एक स्टीमर ले लिया है, तो मेरे पास बड़ा पैन था, इसमें आराम से हमारी कटोरियाँ आ सकती हैं। तो मैंने इसको करीब, मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला है, उसको बॉयल होने छोड़ दिया है। और हमारा जो पहला वाला बैटर था जो हमारा सॉल्टी और हमारा स्वीट होने वाला था, उसमें मैंने 1/2 सैशे इनो का डाला है। इसको मैंने अच्छी तरह मिला लिया है जिससे हमारा जो बैटर है अच्छी तरह फ्लफी हो चुका है। अब मैंने इसको 1/4 करीब मैंने इसको भरा है, इसको हाफ भी नहीं भरना है आपको, 1/4 ही डालना है। इसमें हमारी 2 लेयर्स और भी आएंगी, इसलिए ओनली इसको हम 1/4 भरेंगे। जब हम सब भर लेंगे कटोरी में, फिर हम इनको स्टीम करने रखते हैं। यहाँ तो मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने 7 बोल करीब बनाई हैं ऐसी। अब जब हमारा पानी अच्छी तरह गर्म हो गया है, तो इसको हमें 10 मिनट के लिए हमें स्टीम करना है। इन सभी को आप अरेंज कर दीजिए पैन के अंदर, उसको 10 मिनट के लिए आप ढक के छोड़ दीजिए मीडियम फ्लेम पर। तो हमारा जो स्नैक्स है, पहला इसका स्टेप है, वो धीरे धीरे कुक होना स्टार्ट हो गया है। सो आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट बन गया है। इसको हम चेक करते हैं अपनी नाइफ से, अगर लगता है नाइफ क्लियर निकलता है दोनों साइड से, इट मीन्स हमारा ये साइड पक चुका है। तो जो हमारा आलू मटर का हमने बनाया था मिश्रण एक, तो उसका मैं छोटी टिक्कियाँ बना ली हैं मैंने, और इसको मैंने इसके ऊपर रखना स्टार्ट कर दिया है। आप गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दीजिए इस समय, उन सभी टिक्कीज़ को आप इस बोल में डाल दीजिए। अब जो हमारा दूसरा वाला बैटर था, इसको मैंने, इसमें भी मैंने 1/2 सैशे करीब डाला है इनो। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो हमारा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, लगे कि हमारा जो बैटर है बिल्कुल फ्लफ़ी हो चुका है, फिर हम इसके ऊपर इसकी एक लेयर लगाएंगे। तो उस बोल में मैंने जो डाला हुआ था आलू मटर की टिक्की, इसके ऊपर मैंने एक एक लेयर इस वाले जो हमारा बैटर था इसका मैंने लेयर लगाना स्टार्ट किया है। तो देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है एक नए फ्लेवर के साथ में, वो भी ग्लूटेन फ्री। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी ये रेसिपी। तो इन सभी को आप भर देंगे, उसको ओवरफ्लो मत कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी पकने के बाद में, कुक होने के बाद में वो थोड़े से फ्लफ़ी हो जाएंगे। तो बस सेम प्रोसेस करेंगे इसमें हम, 10 मिनट के लिए अगेन इसको रखेंगे हम मीडियम फ्लेम पे। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज लग रहा है हमारा बनने के बाद में। इस स्नैक्स का नाम आप क्या देंगे, आप ज़रूर मुझे सजेस्ट करें, कि मुझे इसका नाम समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या नाम रखूं। तो चलिए जब ठंडी पूरी तरह हो जाए हमारी ये बोल्स, उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, कितना सुंदर स्नैक्स है, इसको कोई भी कह नहीं सकता कि ये ग्लूटन फ्री है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप चाहें तो स्नैक्स को वैसे भी खा सकते हैं, मैं थोड़ा सा तड़का दिया है इसके अंदर ट्विस्ट देने के लिए। तो मैंने ऑयल लिया है, थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड सीड्स डाले हैं, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, बिकॉज हमारा ये कोकोनट फ्लेवर का स्नैक्स है। उसको मैंने दोनों साइड से हल्का सा क्रिस्पी कर लिया है। तो आप ज़रूर इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ में, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी, मेरी यूनिक रेसिपी कैसी लगी। तो जब बीच से काटेंगे तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है इसके अंदर। Thanks for watching. Thank you. Bye-bye.